है गाइस। तो कैसे आप लोग मेन से आप देख रहे हैं ब्लॉगर बॉय शिवम। तो दोस्तों आज सुबह सुबह मैंने जब अपना फेसबुक अकाउंट खोलने गया तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया था कि आपका फेसबुक अकाउंट जो है डिसेबल हो चुका है। मैंने फिर से ट्राई किया लॉग आउट करके, फिर से लॉग इन करने की कोशिश किया तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका अकाउंट जो है डिसेबल कर दिया गया है। तो मैंने कहा चलो फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो गया कोई नहीं, मतलब मेहनत बहुत किया था, बहुत बुरा तो लग रहा है, अंदर से लग रहा है बुरा, क्योंकि मतलब उसमें बहुत सारे पिक्चर्स, मतलब बहुत सारे यादें वाले फोटोज थे। तो 2 साल 3 साल पहले का मेरा वो अकाउंट था और उसमें बहुत कुछ था जो कि कह नहीं सकते, और उसमें इतना सारा पिक्चर और बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी जो फोटोज़ के साथ, सब कुछ उसमें लिखा हुआ था, बट सब डिलीट, अकाउंट गया, सब चला गया। और बात किया था इंस्टा आईडी का, तो इंस्टा भी डिलीट हो गया। मेरे को ये कब पता चला, मेरे को इंस्टा के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा जब भी सुबह से उठता हूँ तो हमारे फेसबुक अकाउंट और उसके बाद जो होता है यूट्यूब स्टूडियो, उसमें जाकर के कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। तो यूट्यूब स्टूडियो में जाता हूँ, देखते हूँ आज कुछ कमेंट वगैरह आया है तो उसको रिप्लाई कर दूँ। तो वहाँ पे एक राहुल ब्रो ने एक कमेंट किया था, भैया मैं आपको मैसेज करा इंस्टा पे तो सेंड नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि मैं फेसबुक डिसेबल हो गया, इंस्टा भी कुछ हो गया क्या, तो मैं जाता हूँ इंस्टा पे, तो वहाँ पे भी मेरा अकाउंट जो है डिसेबल है, नोटिफिकेशन आता है। और मेरा फेसबुक के साथ मेरा इंस्टा भी लिंक था, शायद इसी वजह से मेरा फेसबुक गया इसलिए मैं इंस्टा भी चला गया, शायद इंस्टा गया इसलिए मैं फेसबुक चला गया, क्या हुआ तो पता नहीं मेरे को, बट मेरा अकाउंट जो है डिलीट हो चुका है। और 24 आवर्स के लिए शायद लिखा हुआ था, शायद 24 आवर्स के बाद शायद हो या कुछ होगा, 24 आवर्स के बाद जो होगा सो होगा, लेकिन अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। 24 आवर्स बाद देखते क्या होता है, भगवान से दुआ करेंगे कि मेरा अकाउंट ठीक हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। 24 आवर तक मैं कोई नया अकाउंट फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट नहीं बनाऊंगा। अगर 24 आवर्स में कुछ रिस्पॉन्स नहीं होता है तो दूसरा अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। सो हम दूसरा अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट का जो डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, जो मैं हमेशा में जो ब्लॉग के वीडियो होते थे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाकर के रखते थे, मेरा इंस्टा अकाउंट का ये लिंक है, मेरा फेसबुक पेज का ये है। सो वो लिंक सब भी अब चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज मेरा जो फेसबुक पेज था, फेसबुक अकाउंट नहीं रहा तो फेसबुक पेज ऑटोमेटिकली जो है डिसेबल हो जाता है, फेसबुक पेज भी ख़राब हो गया। और फेसबुक पेज पर भी काफ़ी अच्छा लाइक आया था, इंस्टा पर भी अच्छा फॉलोअर्स था, सब चला गया, बट कोई नहीं, फिर से मेहनत करेंगे और जितना था उससे ज़्यादा करके लाएंगे। और क्या कह सकता हूँ, अगर अभी तक आप ब्लॉग वैसे सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर साथ में बिल्कुल जिस भी वीडियो है उसमें फिर आपको मिलते रहते मिलते गाइस अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।